मेसो सारिका मनोज सारडा, नासिक सिटी सेंटर मॉल से आई हूँ। मेसो सारिका मनोज सारडा, नासिक सिटी सेंटर मॉल। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। सेंटर मॉल से आई हूँ। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं थी। हम लोगों ने पूजन पाठ भी बहुत करवाया, डॉक्टरों को भी दिखवाया, पुणे भी गए, वहाँ का इलाज करवाया, जहाँ जहाँ लोग कहते थे वहाँ पर जाकर हमने गोदी भी भरवाई। हमारी गोद में हमने नरियल बहुत सारे झेल कर रखे भी, परंतु हमें संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, तब आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया ऑनलाइन, हमने पूजन करा। पति पत्नी ने एक एक बेलपत्र उसमें से उठाकर पूजन करने के बाद उसको खा लिया। बाबा से प्रार्थना करा, बाबा आज हमने सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा है, ऑनलाइन टीवी के सामने बैठकर करा है, बाबा हमारी पूजन को स्वीकार करना, हमें संतान जरूर देना। केवल 2 महीना निकला गुरुदेव और मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई, आषाढ़ी एकादशी के दिन 29 जून को 2023 को बाबा की कृपा से मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई। कहीं बैठी हैं? अगर आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। शिव कृपा इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता क्या है? हम शिव को महसूस कैसे करें? हमें कहीं नहीं जाना, ना हमें किसी की बेल चाहिए, ना हमें किसी की बबूती चाहिए, ना हमें किसी का नरियल चाहिए, ना हमें ढोंग चाहिए, ना हमें प्रपंच चाहिए, ना हमें दिखावा चाहिए, ना हम कहीं भटके। अगर हमें जाना है तो देवाधिदेव महादेव की शरणागति में एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा को प्रार्थना कर भगवान शिव से विनती करना है, बाकी का किसी से नहीं करना। कौन आए? आज के जमाने में बहुत दिखा